हमारे साथ है संयुक्त किसान मोर्चा जनपद अमेठी के किसान नेताओं की। आज जनपद अमेठी में एक बैठक थी, तो आइए बात करते हैं इनकी किसान नेताओं की अगली रणनीति क्या है। तो सर अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं राकेश कुमार मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश किसान सभा अमेठी जी के जिला संयोजक हूँ, और आज 17 सितंबर को पूरे प्रदेश में जी पूरे सभी किसान संगठनों के जो संयुक्त किसान मोर्चा के भागीदारी हैं, भागीदारी करते हैं जी, उनको लेकर के पूरे प्रदेश में बैठक हो रही है, क्योंकि अभी 8 और 9 को जी हमारा दिल्ली में लखनऊ में 9-10 को एक लखनऊ में बैठक हुई थी सभी किसान संगठनों की, और 9 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, और उसमें ये तय किया गया कि हम पूरे प्रदेश में 17 तारीख को एक बैठक करके 27 तारीख को जो संयुक्त मोर्चा किसान मोर्चा के द्वारा आह्वान किया गया है कि भारत बंद किया जाए जी, उसको कैसे सफल करेंगे, उसके लिए हम लोग आज यहां पर अमेठी में बैठे हुए हैं। हमारे साथ श्री लालता प्रसाद शुक्ला जी हैं, संजय जी हैं, और भी अन्य किसान संगठनों के लोग हैं यहाँ पर जी, और हम लोग यहाँ बैठकर अभी तय किए इस रणनीति के तहत हम 27 तारीख को और भी किसान संगठनों को जोड़ने की के लिए लाने के लिए कोशिश करेंगे। उसके लिए 24 तारीख को हम एक बैठक करेंगे जी, और वो बैठक होगी मंडी समिति जायस में जी, और वहाँ पर हम हो सकते पत्रकारों का को लेकर के अपने प्रेस मीडिया को लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, और सरकार की जो ये कृषि विरोधी तीनों काले कानून है या ये बिजली विरोधी बिजली संशोधन बिल का जो ये बिल है, इन सब का हम विरोध करते हुए 27 तारीख को भारत बंद करेंगे जी, इसलिए आज हम लोग बैठे। तो आपके साथ कितने संगठन हैं जनपद अमेठी में किसानों के? अभी तो आज हमारे पास तो कम ही संगठन आए हैं जी, जी। लेकिन हम 24 तारीख को कोशिश करेंगे कि जनपद अमेठी में जितने ज्यादा से ज्यादा संगठनों को जोड़ें, और लगभग हो सकता है कि 10-12 संगठन जो हैं जी, जी। वो हमारे 24 तारीख के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उसमें सब शिरकत कर सकते हैं। तो वो सारे किसान संगठन आपके 27 तारीख के बंद का जो आह्वान है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे? यस, वो हमारे सभी भागीदारी करेंगे जी, और उनको हम कन्विंस करेंगे सब लोग, और हैं भी, क्योंकि अभी लखनऊ में 85 संगठन शामिल हुए थे जी, जी। तो हो सकता है कि यहाँ पर 85 ना हो तो 10-12 संगठन तो होंगे जी। जी, धन्यवाद।